देखो भाई, लास्ट क्लास में मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है या किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, दोनों के बारे में पढ़ाया था। और ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको घर से करके लाने के लिए बोला था कि इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है। तो एक बार बता देता हूँ मैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है। तो देखिए भाई, किस तरीके से करेंगे, जो मैंने आपको बताया था बस वही स्टेप बाई स्टेप आपको चलते जाना है और आंसर निकल के आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो सबसे पहला काम, आपके पास दो लूप हैं, दिस वन इज लूप फर्स्ट एंड दिस इज लूप सेकंड। तो दो लूप हो गए हमारे पास में, और इन दोनों में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास कर ही रहा होगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ से कितना करंट जा रहा है भाई, आई। तो इधर से भी कितना करंट जा रहा होगा, आई। यहाँ पे कुछ अलग चला गया, मान लेते हैं आई वन चला गया, तो इधर कितना रह जाएगा, आई माइनस आई वन, यही होगा। तो इधर से कितना आ रहा है, आई वन, यहाँ से आई वन, ऊपर से कितना आ रहा है भाई, ये आई माइनस आई वन आ रहा है। दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो कितना बना देंगे, आई बना देंगे। आई माइनस आई वन प्लस आई वन इधर से आ गया तो आई हो गया, यानी जितना हमने इलेक्ट्रिक करंट भेजा था उतना ही इलेक्ट्रिक करंट वापस भी आ गया है। बना लिया इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले हम मान लेंगे, इससे फर्स्ट तो यही है आपका। इसका दूसरा क्या है कि दोनों लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप वन, तो पहली लूप में मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। अप्लाई करने से पहले रिकॉल करा देता हूँ, कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है। तो कैसे याद रखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन लेना है, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन लेना है, और नेगेटिव वाली प्लेट से बड़ी पॉजिटिव वाली प्लेट पर जा रहे हो या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हो तो पॉजिटिव, और हाई से लो पे जा रहे हो तो नेगेटिव, बस इतना सा ही है। तो चलते हैं, देखो भाई यहाँ से, तो मैं जो है इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी उधर ही जा रहा है, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 20 ओम के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, आई आर होता है। अब डायरेक्शन में उसी के डायरेक्शन में जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, माइनस के आई आर, तो माइनस के आई इंटू आर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखो भाई ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन में जाने पे ये यहाँ पे रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, माइनस के आई आर। आई कितना है अब यहाँ पे, आई माइनस आई वन इंटू में आर कितना है, 40, तो माइनस के आई आर, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी माइनस के आई, आई कितना है यहाँ पे भाई, आई के बराबर है, आर कितना है, 20 है, 20 आ गया। अब पॉजिटिव से कहाँ पे चले गए, नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 इज इक्वल टू क्या कर दो भाई, इसको जीरो के कर दो, ठीक है भाई, इज इक्वल टू जीरो के कर दो। इसे अब सॉल्व करके देखो भाई, माइनस ट्वेंटी आई, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस के 40 आई, तो यहाँ से आ गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ जाएगा माइनस के 40 आई ही यहाँ से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 40 आई वन मिलेगा, ध्यान रखना ये 40 आई वन मिलेगा, ये आई वन है, ओके, ये मैंने लिख ही दिया था। और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस के 10 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। अब देख पा रहे होंगे 10 यहाँ से कॉमन लेके मैं जीरो में भेज सकता हूँ, तो इधर कितना मिलेगा, माइनस 4 आई, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, माइनस के 4 आई, 10 क्योंकि बाहर ले जा सकते होगा, तो कितना मिल जाएगा, माइनस के 8 मिलेगा केवल, माइनस 4 माइनस के 8 आई मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा, प्लस 4i1, और यहाँ पर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन मैंने लूप 1 से यहाँ से बना ले। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ दूसरी लूप में अप्लाई करेंगे, तो KVL इन लूप 2 दूसरे लूप में मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस यहीं पे हम घूम फिर के वापस आएंगे। तो नेगेटिव से कहाँ चले गए, पॉजिटिव पे, तो कितना आ जाएगा, प्लस 30 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस के आई इंटू आर कितना है भाई, 10, आर कितना है, 10। आगे चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए तो कितना हो जाएगा, माइनस के 20 आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो आप ध्यान से, ये पहला केस मिला है जहाँ पे आप करंट तो ऊपर से आ रहा है और आप कैसे जा रहे हो, नीचे से, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पहला केस आया रजिस्टर में जहाँ इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, यानी क्या आएगा, प्लस आई इंटू आर, आई कितना है, आई माइनस आई वन इंटू आर कितना है वहाँ पे भाई, 40 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कितना है, 30 में से 20 गए तो कितने बचे भाई, 10, और ये आ रहा है माइनस के 10 आई वन, इधर से मिलेगा प्लस के 40 आई, माइनस के 40 आई वन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो।
10 यहाँ से भी कॉमन लेके जो है आप काट के भेज सकते हो, जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, ये जीरो जो है कैंसिल होके चला जाएगा। 30 में से 20 गए तो 10, और ये माइनस के 10 आई यहाँ से है, ये 40 आई है, माइनस का 40 आई, मान मल्टीप्लाई किया है बस और कुछ नहीं है। तो ये कितना बचेगा 1। अच्छा ये कितना आ रहा है माइनस के आई 1, ये कितना है प्लस के 4 आई। अच्छा ये आई 1 यहाँ पे भी है, तो माइनस के आई 1 यहाँ है, माइनस के 4 आई 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 आई 1, और प्लस के कितना मिलेगा 4 आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये यहाँ तक आपकी फिजिक्स थी। अब आपका मैथ्स चलेगा। मैथ्स का मतलब है दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद में आप आई वन निकाल लोगे और सॉरी आई निकाल लोगे और आई वन निकाल लोगे, दोनों की वैल्यू जो है सॉल्व करके आ जाएगी। तो ये सॉल्व करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है। तो ऑन सॉल्विंग सॉल्व करोगे तो आप जो है आई वन और आई की वैल्यू दोनों को सॉल्व कर लोगे, कैसे भी कर लेना, दोनों को एलिमिनेट कर लेना, एक से आई निकाल लेना, दूसरे में पुट कर लेना, तो वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा। जब हम करा रहे हैं तो पहले आपको समझना चाहिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पहले ही स्टार्ट में करा रहा हूँ, तो पहले आप समझो ना, लिख रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ आपको तभी से, तो पहले ही देख लेते हैं। अभी तो डाउट क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि पहले तो आप समझ नहीं रहे थे। शुरू में पहला आपका टारगेट है कि जो भी कोई भी पढ़ा रहा है उसकी बातों को अच्छे से समझो कंसंट्रेशन के साथ में, फिर अगर डाउट रहता है देन आपको पूछना चाहिए, है ना। तो 8 कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है। लेकिन कैलकुलेशन अब तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि तब आप देख ही नहीं रहे थे जब मैं यहाँ पे समझा रहा था। मेन चीज़ तो ये है कि नहीं। तो देखो कैसे आया है, ये माइनस 40 आई है, ये माइनस के 40 आई है, ये माइनस के 40 आई 1 है, माइनस के 10 है, मैंने 10 को कॉमन लेके इधर भेज दिया था, तो 0 0 0 ये पूरा जो है 10 इधर चला गया, तो माइनस के 4 आई, माइनस के 4 आई कितना हो जाएगा माइनस के 8 आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 4 आई 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस के 1। इस तरीके से आया था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो मैंने जब मैं समझा रहा था तब मैंने बताया था वायकादा कि यहाँ से 10 को कॉमन लेके हम इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो इक्वेशंस आ गए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आराम से कर सकते हो। तो आपको केवल और केवल क्या बनाना है, इक्वेशंस बनाना है, और विद साइन करते जाओ आप वैल्यू जो है निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा, कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। सेम वही ब्रिज यहाँ पे भी है, वहाँ हमने कैपेसिटर्स के लिए देखा था, और यहाँ हम किसके लिए देखेंगे, रजिस्टर्स के लिए देखने वाले, किसके लिए देखेंगे रजिस्टर्स के लिए। तो रजिस्टर के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं, और कैपेसिटर में बस मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था कि C1 और C2 का रेशियो अगर बराबर आ रहा है C3 और C4 के, तो बीच वाला जो कैपेसिटर है उसे आप हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, उसका प्रूफ क्या है, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि हम अगले चैप्टर में रजिस्टर वाला जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहाँ पर हम इसे प्रूफ भी करेंगे। तो आज हम पूरा प्रूफ देखने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से प्रूफ होगा, ध्यान से समझेंगे भाई। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। किसके लिए यूज़ किया जाता है भाई, ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोला जाता है कि अननोन रेजिस्टेंस कितना है, तो यूज़ किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए कोई भी जो गिवन नेटवर्क होता है, इन ए गिवन नेटवर्क। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, किस पे जो है बेस्ड होता है, तो करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यही होता है हमेशा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर दोनों ही पॉइंट जो है उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाए, पोटेंशियल सेम आ जाए दोनों पॉइंट का, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम आने का मतलब है ना कोई हाई रहा ना कोई लो रहा, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए, तो उस पर ये बेस्ड करता है, बेस्ड है उसका प्रिंसिपल है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से होता है भाई, आप यहाँ देख ही रहे हो, ये आपका R1 है रजिस्टर, ये आपका R2 है, दिस इज़ R3 एंड दिस इज़ R3 और ये R4 है, और बीच में R5 जोड़ सकते हो, या हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया यहाँ, गैल्वेनोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है बैटरी जुड़ी हुई है, ये आपकी बैटरी है, यहाँ की लगाया हुआ है। तो अब अगर हमें यहाँ ये देखना है कि ध्यान से देखना, अब आप हम करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ पे भी कितना जा रहा है, आई जा रहा है,
अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो आई था वो दो वायर्स में अलग अलग बटेगा, तो एक वायर में हमने मान लिया I1 चला गया, तो दूसरे वायर में हमने मान लिया कितना चला गया I2, या आप चाहते तो I-I1 भी लिख सकते थे। अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो I है वो किसके बराबर आ रहा है, I1 प्लस I2 के है। टोटल आने वाला करंट किसके था, I के। ये दोनों वायर्स में अलग अलग हमने भेज दिया, इधर I1 चला गया और इधर कितना गया है I2 गया है। तो यहाँ से I1 करंट जा रहा है, करंट जा रहा जा रहा है। अब यहाँ पर आके ध्यान से देखो, यहाँ तक गया। अब हुआ क्या कि अगर गैल्वेनोमीटर जो दे रखा है, इस गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट पास करे, कितना करंट पास करे, जीरो। अगर जीरो करंट पास कर रहा है, यदि आई जी की वैल्यू जीरो होता है, इसका मतलब है इधर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया हुआ होगा, ये पूरा का पूरा जो करंट है वो किधर चला गया होगा, सीधा ही चला गया होगा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है I2 वाला जो आ रहा है, ये जो पूरा का पूरा करंट इधर चला गया होगा अगर यहाँ से जीरो पास करता तो। लेकिन मैंने मान लिया यहाँ पे कि इधर से करंट कितना गया है, IG गया है, तो इधर से कितना आ रहा था, देखो I1 आ रहा है, इधर IG चला गया, तो बचा हुआ इधर रह जाएगा, कितना रह गया, I1 माइनस के IG हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट IG आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है भाई, I2 आ रहा है, दोनों मिले होंगे और मिलने के बाद में कितना करंट बना देंगे, I2 प्लस IG बना देंगे, और ये आपस में फिर से मिलेंगे, और फिर से अगर मिल गए तो कितना हो जाएगा, ये I के बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो गया है। अब यहाँ पे अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में कितने लूप हैं, पहली लूप, दूसरी लूप, तीसरी लूप, तीन लूप हैं। एक तो ये वाली लूप बना सकते हो, एक ये वाली लूप बना सकते हो, और तीसरी आप ये वाली लूप भी बना सकते हो। तो तीनों लूप के लिए आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके इसे निकाल सकते हो। तो एक तो तरीका ये है आपके पास कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट IG को मान के निकालो, या फिर दूसरा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ध्यान से देखना, बना रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पे एक रजिस्टर था, एक इधर था, एक इधर, एक इधर था, चार तो ऐसे थे, ये R1 है, ये कितना है R2, ये R3 और ये R4। बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था और किसी न किसी बैटरी से ये कनेक्टेड थे, और मान लेते हैं कितने वोल्टेज की बैटरी है, V वोल्टेज की है। तो इधर से इलेक्ट्रिक करंट I आ रहा है, यहाँ I है, इधर कितना चला गया I1, इधर कितना चला गया I2। अब आप ये अगर मानो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़ीरो पास करे, कितना पास करे, ज़ीरो, तो इधर से जो इलेक्ट्रिक करंट है जो I1 है पूरा का पूरा इधर से चला गया होगा, और यहाँ से I2 जो करंट है पूरा का पूरा इधर चला गया होगा, तो दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद में कितना बना देंगे, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 किसके बराबर है भाई, I के बराबर है। I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर है। तो टोटल ओवरऑल I हमने करंट भेजा था, I ही वापस चला जाएगा। इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, यहाँ पे IG की वैल्यू जीरो मान के, कि अगर यहाँ पर जीरो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो, या फिर पीछे वाला जो डायग्राम है इस तरीके से बना सकते हो। आंसर दोनों से ही हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इससे करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। जैसे पहली लूप ये मान लेते हैं, दूसरी लूप ये मान लेते हैं, तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1। तो पहली लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ऐसे करके हम वापस आने वाले हैं। तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस के IR। I कितना दे रखा है, I1। R कितना दे रखा है, R1। आगे चलते हैं, इधर तो करंट जीरो जा रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं है, ख़त्म। यहाँ पर देखो करंट उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा प्लस I, यानी I2। R कितना है, R3 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि I1 R1 बराबर आ जाएगा I2 R3 के, लिख सकते हैं आप इसे, ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में हो जाएंगे ना दोनों। तो I1 R1 बराबर I2 R3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लगाता हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2, दूसरे वाले लूप में अगर हम लगाएं, ध्यान से देखो, यहाँ से चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या आएगा माइनस के I1 into R2। अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या आएगा प्लस, कितना करंट है I2, रेजिस्टेंस कितना है R4, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ज़ीरो के हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये अगर इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, I1 R2 बराबर I2 R4, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, देखो मिलेगा क्या, I1 R1 अपॉन I1 R2 बराबर, इधर से क्या मिल जाएगा, I2 R3 अपॉन I2 R4।
फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने पे ये मिलेगा। तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, क्या मिल गया आपको यहाँ से, आर वन अपॉन आर टू बराबर आ रहा है आर थ्री अपॉन आर फोर। यही हमें क्या करना होता है, प्रूफ। लेकिन ये कब आया है, ऐसा कब आया है, ये जब आया है जब हमने यहां से इलेक्ट्रिक करंट कितना माना है, जीरो माना है, तो तब आया है। इफ आई जी इज इक्वल टू कितना माना है, जीरो। आई जी जीरो होने का मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो होने का मतलब है, ये तब होगा जब देखो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी, इसको सी और इसको क्या मान लेता हूं, डी। ये तब जीरो होगा जब सी और डी का पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जीरो कब जाएगा, जब पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी कि वी सी बराबर क्या होगा, वी डी के। तो जब सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा तो इससे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि आर वन और आर टू का जो रेशियो आ रहा है वही आर थ्री और आर फोर के रेशियो के बराबर आएगा, दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप या तो ये बोलो कि अगर आई जी की वैल्यू जीरो जा रही है तो रेशियो बराबर होगा, या ये बोल दो कि अगर रेशियो बराबर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा, जीरो जाएगा। कैसे भी आप इन दोनों बातों को यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करेगा पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप जो है इसका प्रूफ कर सकते हो। ये डायग्राम आपको बना लेना है, और डायग्राम अगर आप बनाओगे, ये आई वन आई टू ये आई जीरो मान लेना, आई वन इधर से पूरा चला गया, आई टू इधर से पूरा चला गया, और इस तरीके से दोनों में आपको लूप लॉ लगा देना है। और लूप लॉ लगाएंगे, जैसे ही वोल्टेज लॉ हम लगाएंगे तुरंत हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है हमारा ये। कोई डाउट यहाँ तक, चलें आगे। देखो भाई आगे चलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी यूज्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, टू मेजर स्मॉल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन हार्ड मेटल, इसके लिए भी भाई यूज़ किया जाता है व्हीटस्टोन का। अगर ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये जो है स्मॉल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड जो होता है हार्ड मेटल्स के अंदर, उसको भी ये मेजर करने के लिए होता है। एज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज अब तो खैर सिलेबस से हटा रखा है, मीटर ब्रिज के अंदर भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही जो प्रिंसिपल है उसी का यूज़ किया जाता था। तो आपका जो आंसर है वो डी आ जाएगा, कि ऑल ऑफ अबव, ये सभी के सभी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाले ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, सर्किट आपको दे रखा है, आपसे पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो क्या आपको इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, दिख रहा है बराबर, 2:3 है रेशियो, इसका भी कितना है 2:3 है भाई, 4:6 करोगे तो रेशियो तो कितना मिलेगा, 2:3। रेशियो अगर बराबर है तो हम जानते हैं 5 वाले को आप हटा सकते हो, रेशियो अगर बराबर है तो 5 वाले को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। और ए और बी के बीच में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों में किस में है, सीरीज में, और आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल। तो सीरीज में 3 और 2 का कितना बन जाएगा, 5, इनका 5, इनका कितना बन जाएगा, 10, ये होगा भाई। सीरीज में जुड़ जाते हैं ये 2 और 3 5 हो जाएंगे, 4 और 6 10 हो जाएंगे। अब 5 और 10 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला लगाएंगे, R1 R2 यानी 5 × 10 अपॉन 5 प्लस 10, तो 50 अपॉन 15 आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 10 अपॉन 3, यानी सेकंड वाला है 10 अपॉन 3 ओम, इस तरीके से आ जाएगा। कर लेंगे ना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, रेशियो अगर बराबर है बीच वाले को हटा दो, ऊपर सीरीज नीचे सीरीज आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इफ़ द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नियरली। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर जीरो आ रही है, रीडिंग जीरो अगर आ रही है तो इसको आप हटा सकते हो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है। तो आपसे पूछा है अगर ये जीरो के बराबर है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है कितना रहा होगा, ये पूछा है। तो अगर ये जीरो के बराबर है इसका मतलब रेशियो क्या रहा होगा, इन दोनों का बराबर रहा होगा, जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका भी आना चाहिए, है कि नहीं। तो कितना आना चाहिए, 8। तो x की जगह आप कितना लिख दोगे, 8, क्योंकि आप लिख सकते हो 4/4 बराबर होना चाहिए 8 अपॉन x। तो x यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। और जैसे ही 8 निकल के आया, आप इसे जानते हो ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हो आप इसे, किस तरीके से बनाओगे, ए है ये, बी है ये, सी है ये, ए बी सी, इसको आप क्या मान सकते हो, डी मान सकते हो।
देखो बना देता हूँ मैं इसका सर्किट डायग्राम। ए इधर मान लिया, बी इधर मान लिया, सी और डी। ध्यान से देखना, ए और सी के बीच में कितना जुड़ा हुआ है, 4 ओम का। सी और बी के बीच में कितने का जुड़ रहा है, 4 ओम का है। ए और डी के बीच में कितने का है भाई, 8 ओम का है। ये है 8 ओम का है ए और डी के बीच में। डी और बी के बीच में कितने का है, ये भी 8 का ही निकाला है हमने, और बीच से हमने हटा ही दिया है वो तो खैर। और नीचे जो है यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ है, ये 14 ओम है। इस तरीके से लो देखो कैसे निकाले, ये वाला और ये वाला तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो 8, 16 और 14 पैरेलल में, तो 1/r बराबर क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/14। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एलसीएम बताओ भाई कितना मिलेगा इनका, 16, 14 और 8 का एलसीएम बताइए। अब कितनी बार कट रहा है ये, 16, 8, 14, 8 और 32, 112 बटे 32 कर दो, 3.9 आ रहा है ना, ये आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखो भाई। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये कितना है बी। इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, इधर से आई, इसको आप मान लो 1 पॉइंट, इसको आप मान लो 2 और इसको आप मान लो 3। तो अगर आपको वी ए माइनस वी बी पूछा गया है, वी ए माइनस वी बी पूछा गया है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मुझे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, वी ए माइनस वी वन निकाल लो प्लस वी वन माइनस वी टू निकाल लो प्लस वी टू माइनस वी थ्री निकाल लो प्लस वी थ्री माइनस वी वी निकाल लो। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और उन्हें ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी को मैं लिख रहा हूँ वी ए माइनस वी वन प्लस वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस वी थ्री प्लस वी थ्री माइनस वी बी। ऐसे करके आप अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो देखो कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे, ये आना चाहिए। अगर मुझे वी ए माइनस वी वन निकालना है यहाँ पे, तो वी ए माइनस वी वन अगर मुझे चाहिए तो कितना आएगा भाई, वी इक्वल टू आई आर होता है। आई कितना जा रहा है, 3, आर कितना है 1, यानी आई इंटू आर 3 इंटू 1। ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों क्यों आएगा पॉजिटिव, देखो ध्यान से, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कहाँ जा रहे हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई से अगर आप लो गए हो तो हाई में से लो अगर आप घटा रहे हो तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा ये, तो ये प्लस के साइन साथ आ जाएगा। अगला है, आप पॉजिटिव से कहाँ चले गए, नेगेटिव पे चले गए। रुको, नेगेटिव आएगा नहीं, आप पॉजिटिव से कहाँ चले गए, नेगेटिव पे चले गए। अब आपको चाहिए क्या, वी वन माइनस वी टू चाहिए, आपको वी टू माइनस वी वन नहीं पूछा है बल्कि वी वन माइनस वी टू पूछा है। तो V1 का मतलब ये हाई पोटेंशियल पे और ये किस पे है, लो पोटेंशियल पे है। तो बड़े में से छोटा वाला घटा हुआ तो कितना मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी प्लस के 9 मिलेगा यहाँ पे। अब फिर से देखो, आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही जा रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये भी कितना मिलेगा, प्लस आई, आई कितना है 3, आर कितना है 2। आगे चलते हैं, नेगेटिव से कहाँ चले गए, पॉजिटिव पे चले गए। तो ये छोटा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है, तो V3 माइनस VB अगर मैं निकालूंगा तो ये मिलेगा माइनस के 6। इस तरीके से मिलेगा, तो 3 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 6, ये तो कैंसिल हो गया, 9 और 3 12 वोल्ट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो VA माइनस VB जो है कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। तो आपको अलग अलग पॉइंट लिखने हैं और देखो किस में से क्या घटाना है, A में से 1 VA माइनस V1 घटाना है या V1 माइनस VA घटाना है। तो आपको इधर से इधर वाला घटाना है, तो हाई से लो वाला घटा दिया, हाई से लो वाला, हाई से लो वाला, लो से हाई वाला अगर घटा रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, बाकी सारी जगह क्या आया, पॉजिटिव आया। इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझते हुए करने हैं। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है ना, देखो इसको भी करते हैं। ये ए है, इसको आप कोई नया पॉइंट मान लो 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, और ये आपका बी है। तो आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो अलग अलग आप निकालते जाओ। वी ए माइनस पहले मैं क्या निकालूंगा, वी वन
फिर क्या निकालूंगा वी वन माइनस वी टू, फिर क्या निकालूंगा वी टू माइनस वी थ्री, फिर क्या निकालूंगा वी थ्री माइनस वी फोर, फिर क्या निकालूंगा भाई वी फोर माइनस वी बी, ऐसे करना होगा वन बाई वन करते जाओ। तो ए वाले में से वन वाला घटाना, ए में से वन, यानी ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल घटाना है। हाई से लो का मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। आएगा कितना आई इंटू आर, आई कितना जा रहा है टू ए, आर कितना जा रहा है वन ओम है आई आर, ये वन है ये टू है। अच्छा कहाँ से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी छोटे से बड़े पे गए हो आप। अच्छा आपको घटाना क्या है, वन में से टू घटाना है, तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। कितना वोल्ट का है ये, नौ वोल्ट का है, तो नौ लगा दिया। अब हाई से लो चले गए तो प्लस में आएगा आई इंटू आर, आई कितना जा रहा है भाई टू एम्पियर है, आर कितना यहाँ टू है, यहाँ आ गए। देखो बड़े से छोटे आ रहे हो, यानी बड़े से छोटे को घटाओगे तो कितना मिलेगा प्लस के थ्री मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस के आई, आई कितना है टू इंटू आर कितना है थ्री, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इन्हें सॉल्व करो तो टू माइनस नाइन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स, देखना भाई कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, नौ से नौ छः आ रहा है, छः वोल्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा छः वोल्ट। इस तरीके से निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अगला इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये आपको देखा देखा सा लग रहा है, ऐसे हमने कैपेसिटर में किए थे कि अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी कितना, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक आप ए बोल सकते थे, इसको आप कोई नया मान लो सी, इसको क्या मान लो डी। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए, इधर आपने ए बना लिया, इधर क्या बना लिया बी, इधर सी और इधर क्या हो जाएगा भाई डी। तो ए और सी के बीच में कितने का है आर, ए और सी के बीच में आर जुड़ रहा है, सी और डी के बीच में भी कितना है आर, ए और डी के बीच में भी कितना है आर, बी और सी के बीच में भी कितना है आर, और बी और डी के बीच में भी कितना है आर, तो ये सब आर 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 है। और ये आपको दिख गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाला हट जाएगा, ऊपर कितना होगा 2R, नीचे कितना होगा 2R, तो नेट अगर हम निकालें तो 2R into 2R upon 2R plus 2R, यही आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 4R square upon 4R, R से R, तो कितना आ जाएगा R आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, पहला सही आ जाएगा। और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट वहाँ पे भी बताया था, अगर सभी इक्वल हैं तो आंसर भी उन्हीं के बराबर आता है। अगर 10-10 के हैं तो 10 आंसर है, 20-20 के हैं 20 आंसर है, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रजिस्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटर के लिए भी वही रहता है, रजिस्टर के लिए वही रहता है, अगर समान जुड़े हुए हैं तो आंसर हमारा वही निकल के आता है। तो वही आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगला ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन होंगे एक तरीके से, तो बीच वाला आप देखो 8 और 12 और 4 और इनका रेशियो है ना बराबर है, क्योंकि 8 बटे 12 बराबर कितना होता है 4 बटे 6, रेशियो बराबर है, रेशियो अगर बराबर है तो बीच वाले को क्या कर दोगे हटा दोगे, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, और आपस में कैसे बन जाएंगे पैरेलल, चाहो तो व्हीटस्टोन बना के देख लेना इसे। तो कितना मिल जाएगा 12 और 8 20 और 4 और 6 10 बटे 20 प्लस 10 कितना मिल जाएगा भाई 200 बटे 30, यानी कितना मिलेगा 20 बटे 3, यानी 6.6 समथिंग समथिंग हमारा आंसर मिल जाएगा, 20 बटे 3 ही दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ही आप कर सकते हो, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, सर्किट R1 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई 1000 ओम का रजिस्टर है यहाँ पे, और R2 कितना है 2000 ओम का यहाँ दे रखा है, और वोल्टमीटर कितना दे रखा है इसका भी रजिस्टर दे रखा है, ये भी 2000 ओम का है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर यानी आपसे पूछा है कि यहाँ से वोल्टेज कितने पास कर रहे होंगे, ये जो पॉइंट है ए और बी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एक्चुअल में वो निकालना है, जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसकी रीडिंग आ रही होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है और इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा, तो आपको सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा टोटल पूरा का पूरा। देखो भाई इसका और इसका अगर रेजिस्टेंस निकालूं तो ये दोनों किस में है पैरेलल में, 2000 और 2000 का कितना हो जाएगा पता है 1000 हो जाएगा, पैरेलल में है तो आधा हो जाएगा, 10-10 का जैसे 5 हो जाता है, 20-20 का 10 हो जाता है, तो 2000 का कितना हो जाएगा 1000, तो इन दोनों का 1000 आ गया, 1000 इसका और ये वाला 1000 सीरीज में आ जाएंगे, तो टोटल जो इफेक्टिव है नेट
नेट जो रेजिस्टेंस मिलेगा, नेट रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा आपका, 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 इसका रेजिस्टेंस है। आई अगर निकालोगे तो आई किसके बराबर आएगा, वी अपन आर। वी कितना दे रखा है 24, आर कितना है 2000 है। इसे आप अगर कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो। ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 12 बार। ये जो है 1000 बार, 6 बार, 500 बार और कितनी बार जा रहा है, 3 और 250। इतने एम्पियर हमने करंट निकाल लिया, ये करंट है टोटल। अब मुझे क्या निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी अगर मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी किसके बराबर होता है, आई इंटू आर। आई तो ये वाला ही आ जाएगा 3/250। आर कौन सा आएगा, ए और बी के बीच वाला रेजिस्टेंस। अब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस 1000 लगाओगे, ना कि 2000, क्योंकि इक्विवेलेंट लगाना है। तो इंटू क्या कर दोगे भाई, 1000। तो कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 थी 12, तो 12 वोल्ट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा है, 12। समझ गए आप लोग, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं भाई, है ना। तो यहीं तक है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा वीट स्टोन ब्रिज कर सकते हो, और वीट स्टोन ब्रिज के ऊपर बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।